सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, जो कि वर्ल्ड कप 2019 स्टार्ट होने से पहले ही पाकिस्तान की टीम एक ऐसी इकलौती टीम है जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रही है, लगातार एक के बाद एक चेंजेस करते हुए जा रही है अपनी टीम में। और यहाँ पर फाइनली अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का पूरा कन्फर्म स्क्वाड अनाउंस कर दिया है वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जहाँ टीम से कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर करा था दिखा दिया गया है, तो वहीं टीम एक से बढ़कर एक जबरदस्त खिलाड़ी की वापसी हो चुकी है वर्ल्ड कप 2019 के लिए पाकिस्तान की टीम में। और आईसीसी ने भी अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान का पूरा कंफर्म स्क्वाड। तो गाइस पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो देखते रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी वर्ल्ड कप 2019 के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वहीं इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, तो वर्ल्ड कप जो कि 30 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 14 जुलाई 2019 को खत्म होगा, जो कि इस बार का वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड वेल्स में खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरकार पाकिस्तान का पूरा कन्फर्म स्क्वाड अनाउंस कर दिया है वर्ल्ड कप के लिए, जहां सबसे पहले टीम में चेंजेस की थी, जो कि फहीम अशरफ को पहले वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन उनके खराब फॉर्म के चलते फहीम अशरफ को वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और फहीम अशरफ की जगह पर मोहम्मद आमिर को शामिल किया गया है, जो कि मोहम्मद आमिर एक जबरदस्त फास्ट बॉलर है, लेकिन इस टाइम पर उतने बेहतरीन फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि मोहम्मद आमिर एक बड़े मैच के प्लेयर हैं और इसी वजह से इन्हें टीम में शामिल किया गया है वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम में। अब अगर हम बात करें दूसरे चेंजेस के बारे में, तो यहां पर एक बहुत ही बड़ी चेंजेस हुई है, जो कि आबिद अली को पहले टीम में शामिल किया गया था वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन आबिद अली को बिना खिलाए ही, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले से ही स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और उनकी जगह पर जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाले आसिफ अली को टीम में शामिल किया गया है, जो कि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं। अब अगर बात की जाए तीसरी बड़ी चेंजेस के बारे में, तो यहां पर सबसे बड़ी चेंजेस हुई है, जो कि जुनैद खान को पहले टीम में शामिल किया गया था वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन खराब फॉर्म के चलते जुनैद खान को भी पाकिस्तान की टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह पर जबरदस्त तेज गेंदबाज, जो कि उनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिनका नाम है वहाब रियाज, जो कि काफी टाइम बाद पाकिस्तान की टीम में वापसी हुई है और डायरेक्ट वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड में। तो गाइस अब बिना देरी के वे चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के पूरे कंफर्म स्क्वाड के बारे में वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो कुछ इस तरह से है पाकिस्तान टीम का पूरा कंफर्म स्क्वाड, जो कि नंबर 1 पर सरफराज अहमद कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 2 पर आसिफ अली, नंबर 3 पर बाबर आजम, नंबर 4 पर फखर जमान, नंबर 5 पर हारिस सुहेल, नंबर 6 पर हसन अली, नंबर 7 पर इमाद वसीम, नंबर 8 पर है इमामुल हक, जबकि नंबर 9 पर है मोहम्मद आमिर, वहीं इसके बाद नंबर 10 पर है मोहम्मद हफीज, जबकि नंबर 11 पर है मोहम्मद हसनैन, वहीं इसके बाद नंबर 12 पर है शादाब खान, जबकि नंबर 13 पर है शाहीन शाह आफरीदी, तो वहीं इसके बाद नंबर 14 पर है शोएब मलिक, जबकि नंबर 15 पर है वहाब रियाज। दोस्तों ये रही पाकिस्तान टीम का पूरा कन्फर्म स्क्वाड वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी विचार अपनी राय जरूर दें। आपके हिसाब से पाकिस्तान की यह टीम कितनी ज्यादा बैलेंस है, कितनी ज्यादा मजबूत है, कमेंट करके अपने विचार अपनी राय जरूर दें। क्या यह टीम वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल या फिर फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं, क्या टक्कर दे पाएगी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में।